पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। अथर्व, मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूं। I'm sorry। उस दिन तुम्हें ऐसा फील हुआ कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता हूं। ऐसा नहीं है, I trust you। और मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आया था, मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था। और गुस्सा इस बात का आ रहा था कि तुम्हें फुटबॉल खेलना था तो ये बात तुमने मनोज दादा से कही, ना कि मुझसे। I'm sorry, मैं अपने घर में ऐसा माहौल नहीं बना पाया जहां तुम अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर सको। प्रॉमिस करो आगे से तुम्हें जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी शेयर करना है, सबसे पहले आकर तुम मुझसे शेयर करोगे। और मैं भी प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें ये फील नहीं होने दूंगा कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। और एक बात, आज एग्जाम में चाहे जो कुछ भी हो उससे हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। अगर आज का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उस पे सोच के अपना वक्त बर्बाद मत करो, अगले पेपर पर फोकस करो। एंड आई एम एंड आई विल बी ऑलवेज प्राउड ऑफ यू। थैंक यू डैडी, तो मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है। ऑल द बेस्ट, गो। ऑल द बेस्ट। अरे कब आएगा तुम्हारा राइटर? ओ, तो ये था वैभव का प्लान, कमिट करके एग्जाम के लिए आना ही नहीं। मुझे उसका फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। ओह, एक्चुअली सर, मे आई कम इन सर? यस कम इन। लेट होने के लिए सॉरी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। इट्स ओके, हैव अ सीट। Your time starts now. पहले क्वेश्चन का आंसर है डी। अब अगर इसने डी की जगह कोई और आंसर पे टिक किया तो मैं सीधा इन्विजिलेटर को कंप्लेन कर दूंगा। दूसरे का सी। वैभव, तुझे भी मेरी जरा चोट लगी थी? नहीं। पक्का तुझे तेरे सर पे चोट नहीं लगी थी जिसकी वजह से तेरी याद चली गई हो? लकीली नहीं, पर क्यों? तू तो मेरा राइटर बनके मुझसे बदला लेना चाहता था, फिर अब क्या हुआ? प्लान तो वही था,
पर दो दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। क्या हुआ था? छोड़ना, फिर कभी बताता हूँ। एक मिनट रुक, बताना प्लीज। दो दिन पहले शाम को मैं और मेरा फ्रेंड ग्राउंड पे खेल रहे थे। हमें बाहर खाना खाने जाना था, हमने जेब चेक करी, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। तभी वहां दो अंकल वहां पे आए। उन्होंने हमसे कहा कि एक फुटबॉल मैच हो जाए। हमने कहा ठीक है। उन्होंने हमसे शर्त लगाई कि अगर हम उनसे जीत गए तो वो हमें 500 रुपए देंगे। हमने कहा ठीक है। शुरू के कुछ राउंड हमने ईमानदारी से खेले, लेकिन फिर ऐसा लगने लगा कि हम दोनों उनसे हार जाएंगे। फिर हमने दूसरा रास्ता अपनाया। मैं और मेरा फ्रेंड चीटिंग करके गोल पे गोल किए जा रहे थे और उन दोनों को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, और वो दोनों हार गए। पर वो दोनों हार कर भी बहुत खुश लग रहे थे। मैंने सोचा वहां पर कोई रेफरी तो था नहीं जो हम पे पेनल्टी लगाता। चाहते तो वो दोनों भी चीटिंग करके जीत सकते थे, पूरा स्कोप था चीटिंग करने का, पर उन दोनों ने ऐसा किया नहीं, इसीलिए शायद वो इतना खुश लग रहे थे। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास जितना भी स्कोप हो चीटिंग करने का, पर मैं तेरे साथ कभी चीटिंग नहीं करूंगा। स्पोर्ट्स को कभी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। मम्मी ने सही कहा, तू उम्र में मुझसे छोटा है लेकिन तुम्हें मैच्योरिटी ज्यादा है। फ्रेंड्स, लेकिन याद रखना, फ्रेंड्स है इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग कॉलेज से कम्पीट करेंगे तो तुझे फील्ड पे दया दिखाऊंगा। तगड़ा कंपटीशन दूंगा तुझे। हाँ हाँ, मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, बिना चीटिंग किए ट्रॉफी लेके जाऊंगा। अच्छा चलो देखते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट। ये लड्डू विद्या के लिए बनाए हैं ताकि प्रेगनेंसी में उसको ताकत मिले। सारे लड्डू आप ही खा जाएंगे तो उसको क्या दूंगी मैं? मनी क्या करूं, लड्डू इतने स्वादिष्ट बने कि हाथ ही नहीं रुक रहा है। बराबर। क्या है दादा, ये लड्डू खाने के लिए ना शर्त इतनी सी है कि आपको प्रेग्नेंट होना पड़ता है। आगे आगे अथर्व आया होगा, जल्दी खोलो जल्दी खोलो 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 दरवाजा। मम्मी डैडी, आज तो पेपर बहुत अच्छा गया है, मैं पूरे डिस्टिंक्शन से पास होऊंगा। क्या बात है, सुपर, प्राउड ऑफ यू। टुडे शाबाश। और बनी, अभी आपको 2-4 किलो लड्डू और बनाने पड़ेंगे। छोड़ा प्रे, क्यों? मतलब विद्या की ताकत बढ़ाने के लिए नहीं, छोटे का और पूरी सोसाइटी का मुंह मीठा करने के लिए। यस। ओहो, नहीं लड्डू तो बनते रहेंगे, सबसे पहले मैं कुल्फी मंगाता हूँ। एक मिनट, सिर्फ एक ही पेपर हुआ है, सारे पेपर हो जाने दो, उसके बाद हम मंगाते हैं, ठीक है? बाकी सारे पेपर भी अच्छे ही जाएंगे। यस यस, शाबाश मेरे भाई। इसको अकेले को और वैभव को अकेले? हाँ हाँ, उसने भी बड़ी मेहनत की। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या? एग्जैक्टली। अरे हाँ, वैभव के लिए भी शाबाश। एक लड्डू तो बनता है। अरे अरे मनोज दादा, चलो यार रख दे। सुन 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 सुन, वैभव ने कुछ कांड तो नहीं किया? नहीं किया, इसलिए पेपर अच्छा गया। क्या बात है, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? आज लक मेरे साथ था। बैठो बैठो बैठो। मुझे ना आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछना है। पूछना बिंदास। 2 दिन पहले आप दोनों कहाँ गए थे? पिक्चर देखने। मतलब 6 से 9 पिक्चर और 9 से 12 नाटक। अच्छा, तो फुटबॉल कभी खेला था इंटरवल में? दो अंकल वहां पे आए, उन्होंने हमसे कहा कि एक फुटबॉल मैच हो जाए। एनीवे गाइस, नेक्स्ट टाइम वापस मैच लेके उनके साथ। पेनल्टी किक मिलती ना? हाँ। ओहो भाई, उम्र नहीं रही है ये सब खेलने के। अंकल एक मिनट। हाँ, भूल गया था, ये ले तेरे शर्त के 500 रुपए, जैसे अपनी डील हुई थी। कर। मुझे लगा आप यहाँ से बिना पैसे दिए चले जाओगे चीट करके। वैभव, अगर चीट करना होता ना तो 500 रुपए के लिए नहीं चीट करते, वहां चीट करते। चीट करके हम जीतते। और वैसे भी किसी भी खेल का मजा सिर्फ उसे हार कर या जीत के नहीं आता वैभव,
उसे खेल के एंजॉय करने में आता है। ये सब तो कहने की बात है ना अंकल, जीत का मजा तो गेम को जीत कर ही आता है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।